हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल नंदा और राउंडर। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे है ना वेकेशन चल रही थी, इन लोगों के पेपर ख़त्म हो गए डिंकी परी के, तो डिंकी को है ना मैं मेहंदी लगा दे रही थी क्योंकि थोड़ा ठंडक भी रहता है। और अभी से स्टार्ट कर देती है दूसरी बार, और ये नेचुरल मेहंदी है, इसमें कुछ भी नहीं मिला, घर में चाय पत्ती और यही कुछ मिलाया है। हाँ अभी बन रहा है, परी आवाज़ दे रही। तो गाइस मैं शाम को मिल रही हूँ आपको डायरेक्ट। तो मैं अभी हम लोग है ना सब लोग गए थे आधार कार्ड अपना मतलब ये करने के लिए, सुधारने के लिए थोड़ा सा बच्चों का भी। तो अभी आए हम लोग, फिर भूख लगी है थोड़ी सी, तो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं ढोकला। तो अभी ढोकला बन रहा है, वो क्या एकदम से मैं मतलब तब बना रही थी तब वीडियो ही नहीं बना, फिर अब एकदम से याद आ गया, मैंने कहा अभी बना लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अभी बन रहा है ढोकला, 10 मिनट के बाद निकाल देंगे और चाय भी बना लेंगे। अभी 5 बज चुके हैं और उसके मतलब पक रहा है, बस 2 मिनट के बाद निकाल दूँगी। तो बस यही, और अभी आई हूँ मैं, हम लोगों ने फिर बहुत भीड़ थी, तो ये परी की डिमांड थी, ढोकला बहुत दिनों से नहीं बना रहे और इसने पता है हमारा इतना नुकसान कर दिया है, इतना नुकसान कर दिया है, क्या बताएं आपको। अपना इयर रिंग से ना वो गिरा के आ गए स्कूल से, पता नहीं कहाँ गिरा के, गोल्ड का बहुत नुकसान हो गया, क्या कर सकते, बच्चे की जान तो नहीं ले सकते ना, ऐसा ही है। ठीक है, तो कल की बात है, कल का दिन हम लोगों के लिए पता नहीं मनाती मतलब ऐसा ही था। अब डांटो तो क्या, वापस गए देखने के लिए लेकिन मिला ही नहीं, तो बस यही है। आप देखिए मम्मी, मैंने आपको बनाने को, तो निकाल लो ना। यहाँ पे बन गया है ढोकला, ये देखिए वो बहुत स्पंज उठा के दिखाना टिंकल थोड़ा सा, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, और टिंकल की मेहनत है इसमें। ये खाने वाले देखो कैसे बैठे हैं। यहाँ पे मैं है ना सूजी के हलवे, सूजी के पापड़ का ये कर रही हूँ, क्या क्या मुंह में आ जाता है पता नहीं। तो सूजी के पापड़ का बेटर बना रही हूँ, थोड़ा पतला हो गया था तो इसमें मैं थोड़ा सी सूजी और डाल दूँ, बहुत टेस्टी से पापड़ बने थे। क्योंकि ये तो मैं बनाते हुए दिखा रही, लेकिन जब आज मतलब हम लोग तले जैसे, तो बहुत टेस्टी लग रहे थे मेरे हर पापड़ इस बार है ना, बहुत अच्छे बने हैं। ये आज का है होली के पहले दिन का, तो अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, तो ये आज का है। तो यहाँ पे मैं परी डिंकी को है ना साड़ी वेयर करने के लिए दे रही थी, क्योंकि करके दे रही थी क्योंकि ये है ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल नंदा और राउंडर, कैसे हो आप सब? आंटी ने साथ तो यहाँ पे है ना वो स्टार्टिंग में ऐसे लगता है, मैं भी यही सोच रही थी खुद को, डिंकी को साड़ी पहना रही हूँ, तो इसको है ना रील्स बनानी है। मैंने चलो मेरे ब्लाउज ही नहीं होगी, आंटी लगेगी वो, आंटी नहीं लगेगी, तो जी भी बोलते आंटी लगेगी। पापा यार देखो कैसे कैसे बच्चे कमेंट, मैं आंटी नहीं लग रही थी, तू तुम्हें लग रही हूँ, वो बाल वैसे। हाँ देख के छोड़। और क्या बताएं आपको गाइस कि यहाँ पे डिंकी रेडी हो गई। और है ना एक बात आपको बताना कि त्यौहार के सामने ही मेरी बेटियों के साथ पता नहीं क्या हो गया, छोटी बेटी का भी तबीयत ख़राब हो गई और है ना एयर रेंज भी उसका घूम गया है, वो स्कूल से आ रही थी तो अपने आप उसका गिर गया, तो मतलब ऐसा नुकसान हो गया उसका, उसने टेंशन ले लिया और वो है ना घर में मतलब एकदम से चक्कर खा। यहाँ पे ये देखिए इसने साड़ी पहन ली और इसकी रील चल रही है, मैंने ऐसे पहना दी, इसको साड़ी पहनने नहीं आती है, ये देखिए कहीं जाएगी तो अच्छी। तो ये इनकी फ़ोटोशूट चल रही है, कैसी लग रही है आप बताइएगा, मोटी मोटी पता है इसको, मेरे ब्लाउज नए हो रहे थे, उसने अपने लहंगे के ब्लाउज डाले पुराने, मेरे ब्लाउज नए हो रहे थे मोटी को। और अब हम कटे लंच और लंच कर रहे हैं, और वो है ना कर रही है अपना फ़ोटोशूट, बना रही है डिंकी ने बनाया है अच्छा खासा हलवा। तो गाइज आबे आ जाइए शाम के, अभी क्या बड़ा दिन हो गया ना, और हमारे परी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तब से हम लोग सोचे कि नहीं शाम को नाश्ता खाना है। ये देखिए कैसी दिख रही है परी, उसकी कहानी बताएं हम, कल पूजा करते करते वक्त, टीवी का आवाज़ कम करना, पूजा करते वक्त है ना अचानक से बेहोश हो गई थी, पूरी पूजा की थाली गिरा दी इसने, मतलब पूरा दिया गिर गया जलता हुआ, और अगरबत्ती हाथ में जलती हुई गोल 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 घूम रही, फिर
मैं इसमें सोची कि क्यों इसने ना ऐसे गिराया, देखा जाके तो पूरा दिया जल, अच्छा हुआ कि इसके आंख पे दिया नहीं गिरा और ये अगरबत्ती लेके ऐसे गोल गोल घूमने लगी। जैसे ही देखा मैंने उसको पकड़ के, वो बेहोश हो गई एकदम से। फिर उसको उठा के पलंग पे ले आए, फिर पानी वानी उसके आँख में मारा। कमजोरी की वजह से होगा या फिर कोई टेंशन होगा उस वजह से पढ़ाई का तो हो जाता है। तो फिर तब से देखो कितनी दुबली लग रही है।